अंडे बनने और रिलीज होने की लामत, क्या आपके ओवरीज के अंदर अंडे नहीं बन रहे या जब अंडा रिलीज हो तो आपको पता नहीं चलता? अंडे कब रिलीज होते हैं, मुकम्मल मालूम जाने के लिए वीडियो का आखिर तक लास्ट में देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूंगी कि औरत में ओवुलेशन कब होती है और शादीशुदा औरतों को कैसे पता चलता है कि इनका ओवुलेशन पीरियड है, और क्या इससे हमल के चांसेस भी होते हैं, और वो खवातीन जिनको इलामात महसूस नहीं होती या जिनकी ओवुलेशन नहीं होती उनका इलाज क्या है। तो सबसे पहले बताती हूँ कि ओवुलेशन क्या है। ओवुलेशन एक ऐसा अमल है जिसमें औरत का अंडा ओवरीज से खारिज होता है और ट्यूब्स के अंदर आ जाता है, फिर ट्यूब्स के अंदर स्पर्म जाते हैं और इसे फर्टिलाइज करते हैं। इस प्रोसेस को ओवुलेशन कहते हैं। ये ओवुलेशन माहवारी के साइकिल के दरमियान में होती है। अब मैं कुछ इलामत बताती हूँ जिनसे औरतों को पता चल सकता है कि ओवुलेशन हो रही है। पहली इलामत डिस्चार्ज है। अगर औरत का डिस्चार्ज बिल्कुल अंडे की सफेदी की तरह है और थोड़ा स्टिकी भी है तो इस वक्त औरत की ओवुलेशन हो रही होती है, तो औरत को अपने डिस्चार्ज पर नजर रखनी चाहिए। सेकेंड, मेंस्ट्रुअल चार्टिंग। औरत को चाहिए माहवारी का हिसाब रखे। जिस दिन औरत को माहवारी शुरू हो उस दिन से लेकर 14वें दिन औरत की ओवुलेशन शुरू हो जाती है। इस दौरान प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि 14वें दिन से एक दिन पहले और एक दिन बाद तक ओवुलेशन रहती है, यानी पीरियड्स के 13, 14, 15 दिन तक ओवुलेशन होती है। नॉर्मल साइकिल 28 दिन की या 32 दिन की होती है। अगर 21 दिन की साइकिल है तो 7वें दिन ओवुलेशन हो सकती है। अगर 32 दिन से ज्यादा है यानी 35 दिन की साइकिल है तो इसकी ओवुलेशन 19वें दिन होगी। तीसरी अलामत, बॉडी टेम्परेचर। औरत को चाहिए कि हर रोज सुबह होते ही सबसे पहले थर्मामीटर से अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करें। नॉर्मल दिनों में बॉडी टेम्परेचर भी नॉर्मल रहेगा, लेकिन जब ओवुलेशन के दिन होंगे तो इसमें बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाएगा। जैसे ही बॉडी टेम्परेचर हाई हो वो ओवुलेशन का टाइम है। फोर्थ, ब्रेस्ट टेंडरनेस। अगर औरत को ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा हो तो वो भी ओवुलेशन पीरियड होता है, जिसमें ब्रेस्ट टेंडरनेस हो जाती है। पांचवी अलामत, एब्डोमिनल क्रैम्प्स है। औरत के लोअर एब्डोमेन में दर्द होता है। कुछ औरतों में ये दर्द राइट साइड पर हो सकता है और कुछ औरतों में लेफ्ट साइड पर होता है। ये दर्द इसलिए होता है कि अंडा जिस फॉलिकल्स में मौजूद होता है वो फटता है, तो इससे हल्का सा दर्द होता है। ये दर्द कुछ मिनटों के लिए होता है और यहाँ कुछ घंटों के लिए होता है। इससे भी पता चलता है कि औरत का ओवुलेशन पीरियड है। सिक्स, स्पॉटिंग। स्पॉटिंग इसलिए होती है कि जैसे ही अंडा ओवरी से रिलीज होता है तो फॉलिकल फट जाता है, इस वजह से औरत को स्पॉटिंग होती है। ये सिर्फ एक दिन की होती है, ये 3 या 4 दिनों की स्पॉटिंग नहीं होती। स्पॉटिंग ब्राउन और रेड किसी भी कलर की हो सकती है। सातवीं अलामत, मूड स्विंग्स या नोजिया। कुछ औरतों को ओवुलेशन पीरियड्स के दौरान महसूस होता है कि मतली आ रही है या वोमिटिंग की शिकायत होती है, ये भी ओवुलेशन पीरियड्स की एक वजह हो सकती है। कुछ खवातीन के मूड स्विंग्स हो जाते हैं और दिल घबराने लगता है। जरूरी नहीं कि ये तमाम अलामत सब खवातीन में मौजूद हों, डिफरेंट बॉडीज डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती हैं, इसलिए हर औरत पर ओवुलेशन के अलग अलग असरात मुरतब होते हैं। अब मैं इन खवातीन को इलाज के बारे में बताती हूँ। जिन औरतों की ओवुलेशन होती ही नहीं है, जिन औरतों में अंडे बहुत कम मिकदार में रिलीज होते हैं, इन तमाम अलामात के गौर फिक्र के बाद वो खवातीन जिनके अंदर ओवुलेशन एग नहीं होती, ऐसी खवातीन के लिए तासीर दवाखाना के माहिर हुक्मा डॉक्टर्स, ले डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने बेलादी के मशहूर रूहानी मौलिज हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की सरपरस्ती में कुदरती जड़ी बूटे पर तजर्बात की रोशनी में मुकम्मल तौर पर कुदरती इलाज मुतारिफ करवाया। तासीर दवाखाना के हर्बल इलाज में शामिल कुदरती जड़ी बूटियाँ हारमोन्स को मुतवाजन रखती हैं। इस इलाज से ओवरीज वाल मजबूत रहती है और प्रोजेस्टेरोन नॉर्मल मिकदार में प्रोड्यूस होता है और ओवुलेशन भी प्रॉपर शुरू हो जाती है। तासीर दवाखाना का हर्बल और बेजरदगी का इलाज माहवारी के तमाम मसल को ख़त्म करके पीरियड्स को रेगुलर करता है। हर्बल इलाज FSH LH हारमोन्स को मुतवाजन रखता है, जिससे औरतों में बच्चा दानी के तमाम मसाइल दूर हो जाते हैं और औरत को कंसीव करने में प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। तासीर दवाखाना का ये बेज़रर इलाज औरत को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर सेहतमंद बनाता है, जिससे प्रेगनेंसी में हाल तमाम रुकावटें दूर हो जाती हैं। वो तमाम खवातीन जिनके ओवरीज में अंडे नहीं बन रहे या जिनका एग रिलीज बहुत कम है, वो तासीर दवाखाना का कुदरती जड़ी बूटी पर मुश्तमिल इलाज एक बार जरूर आजमाए और इस मसले से छुटकारा पाकर अपने घर को बच्चों की रौनक से महकाएं। अब कुछ एहतियाती तदाबीर के बारे में बताती हूँ। वजन को कंट्रोल करें, ना ज्यादा बढ़ने दें और ना ही ज्यादा कम होने दें। पुरसकून और खुशगवार माहौल में रहें। स्ट्रेस से जिस हद तक हो सके खुद को दूर रखें। प्रोटीन वाली गिज़ाओं का इस्तेमाल करें, इसके अलावा विटामिन सी का इस्तेमाल करें और जिंक का इस्तेमाल करें। फास्ट फूड, तेज मसालेदार खानों से परहेज करें। इन तमाम हदायत पर अमल करके खवातीन एग रिलीज को बढ़ा सकती हैं। ओवुलेशन जितनी अच्छी होगी, माहवारी भी रेगुलर होगी और औरत कंसीव भी जल्दी कर सकेगी। मजीद मालूमात रहनुमाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें।
और स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रابطہ करें। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।